हमारी क्या डिमांड है भाई बताओ, डिमांड तुम्हारी पूरी करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में 11 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सन की बदमाश के रहमो करम पर थे 23 मासूम बच्चे और महिलाएं। बेटी के जन्मदिन के बहाने शातिर बदमाश ने बनाया था बंधक। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर फेंका बम, गांव वालों पर चलाई गोली। ग्यारह घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने किया काम तमाम। फर्रुखाबाद का मोहम्मदाबाद इलाका गुरुवार को घंटों तक सांसद और डर से सिहरता रहा, और इस डर की वजह थी एक शातिर बदमाश की सन की साजिश। सुभाष बाथम नाम का ये बदमाश 1.5 महीने पहले ही जेल से जमानत पर छूटा था। वो हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और अब दोबारा जेल जाने से बचना चाहता था। ऐसे में पुलिस प्रशासन से अपनी बातें मनवाने के लिए उसने मासूम बच्चों को मोहरा बनाने की साजिश रची। अपनी 5 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने का न्योता देकर गांव के 23 बच्चों को अपने घर बुलाया और फिर उन्हें बंधक बनाकर उनकी जान की सौदेबाजी शुरू कर दी। मैं एक दिन उससे जो कहा था कि मतलब आपकी लड़की के मतलब एक साल में एक बार दिन जन्मदिन मनाया जाता है, एक साल में दो बार किसी के घर पे नहीं मनाया जाता है। तो बहन जो कही कि नहीं हम तो मनाते हैं, तो मतलब बच्चा कच्चू तो मतलब आज स्कूल चले गए कोई मतलब घर पे, तो और छोटे छोटे बच्चा यहीं पे खेल रहे थे, 25-30 बच्चे थे, तो हमें मतलब 25 बच्चे अंदर कर ले बहन। और बहन कही हमने इतने पैसे भी मतलब इकट्ठे कर लिए हैं और रुपये भी मतलब टापी भी हैं, बहुत सा सामान उसने बताया। बहन बोला कि हम 8-10 हज़ार का सामान ले आए, हमारी बिटिया का जन्मदिन है इसलिए वो सामान लेके आया था, तो उसे बच्चन को बहला के वो अंदर ले गया। गुरुवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा रात करीब 1 बजे खत्म हुआ, जब शातिर बदमाश का खात्मा कर दिया गया। वह कुछ बच्चों को आज अपनी बच्ची के बर्थडे पार्टी के बहाने बुला करके उनको बंधक बना करके और दरवाजा बंद कर लिया अपने घर में। देर रात हुई कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश सुभाष को ढेर कर बंधक बनाए गए सभी बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित छुड़ा लिया। लेकिन उससे पहले ये संगी बदमाश जिस अंदाज में बंधकों को ठिकाने लगाने की धमकी दे रहा था, उससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। सवाल ये है कि क्या इस शातिर बदमाश को ढेर किए बिना बच्चों की जान बचाना मुमकिन नहीं था? दरअसल बच्चों को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाश सुभाष ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं और बम फेंके, जिसकी चपेट में आकर 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने जिस शख्स को भेजकर बदमाश सुभाष को समझाने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे भी उसने गोलियों का निशाना बनाया। तो उन लोगों को बुला, विधायक को बुला, उनसे बात करा, सांसद को बुला, हम सबसे बुलाए दी, सबसे बात करा दी, लेकिन तुम कम से कम गेट खोलो, उन लोगों को सामने करो, बच्चों को निकाल दो और तुम बताओ सो तुम्हारी अम्मा ने पूरी करा दी, तब तक गोली मार दी। हाँ, इस दौरान उसने करीब 6 गोलियां दागी और अपने घर से हथगोला भी फेंका और फिर बच्चों सहित पूरे घर को बारूद से उड़ाने की धमकी भी दी। ये ऑपरेशंस करीब 8 घंटे तक चला और उस 8 घंटे के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी ने टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा उससे बातचीत करने का प्रयास किया। इसके पहले हमारी एसओजी टीम की एक टीम का एक मेंबर वहां गया, उसके ऊपर फायर किया गया जिससे वो इंजर्ड हो गया। फर्रुखाबाद में हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे से लखनऊ में भी हड़कंप मचा था। हालात देखते हुए क्विक रिस्पांस टीम और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश के पास हथियार होने और बच्चों की जान को खतरे का हवाला देते हुए पुलिस बहुत संभल कर कदम उठाती रही। शाम होते होते सीएम योगी ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसके बाद एटीएस को मौके पर भेजा गया और एनएसजी को भी खबर की गई।
एटीएस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन कैमरे से बदमाश के घर के अंदर की तस्वीरें ली गईं। इस दौरान बदमाश घर के अंदर से धमकियां देता रहा और सौदेबाजी के लिए डीएम के नाम एक डिमांड लेटर भी फेंका। डिमांड लेटर में उसने यह भी लिखा था कि उसे पीएम आवास योजना के तहत घर और टॉयलेट देने से गांव के प्रधान ने इनकार कर दिया था। दूसरे अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच मौका देखकर रेस्क्यू टीम अंदर घुसी और फिर बदमाश का काम तमाम कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने इस दौरान पूरा एहतियात बरता कि बदमाश अगवा बच्चों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए। कुछ जवान जो है पीछे से अंदर घुसे, इतने में उसको लगा कि पीछे से घुस रहे हैं, उसमें मुठभेड़ हुई। या ये जो सुभाष बाथम नाम का व्यक्ति था, इसको जो है इसकी मौत हुई है और उसको जो है मार गिराया गया है, और साथ ही जितने बच्चे अंदर थे सबको जो है सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कितने बच्चे थे सर? लगभग 23 बच्चे थे। 11 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में यूपी पुलिस को मुख्यमंत्री की फटकार भी झेलनी पड़ी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद इस ड्रामे का दी एंड करने वाली टीम को 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।